बस अब चंद मिनटों का वक्त बचा है जब ईडी के दफ्तर पहुंचना है पूजा सिंघल को, और आज पूजा सिंघल से पूछताछ होनी है। आपको बताएं कि नोटिस भेजा गया ईडी की तरफ से 10:30 बजे ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इससे पहले आपको बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ चल रही है, लेकिन आज बारी पूजा सिंघल की है, पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। और इधर पूरी तैयारियां कर ली गई है पूजा सिंघल से पूछताछ को लेकर, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूजा सिंघल आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आने वाली है और मुश्किलें तो उनकी और भी बढ़ने वाली हैं इस पूछताछ के बाद भी। लेकिन ये तस्वीर आप ईडी दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। ईडी ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं पूछताछ के पहले। हमारे सहयोगी अंजनी लगातार नजर बनाए हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, थोड़ी देर का वक्त और जब पहुंचने वाली है पूजा सिंघल और आज मैडम से पूछताछ की बारी, तमाम तैयारियां पूरी ईडी की तरफ से। देखिए, मैं इस वक्त एयरपोर्ट रोड में जो ईडी का जो दफ्तर है, जो क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ तमाम जो अधिकारी हैं, मतलब जॉइंट डायरेक्टर की बात करें, डिप्टी डायरेक्टर की बात करें, और कई ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी के दफ्तर पहुँच गए हैं। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईडी दफ्तर के बाहर जो है सीआरपीएफ के जवान की तैनाती की गई है, जिसमें महिला जवान भी हैं और पुरुष भी हैं। तो सुरक्षा का जो घेरा है आरती, वो पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो सुरक्षा में, क्योंकि काफ़ी अब मीडिया का भी कवरेज काफ़ी बढ़ गया है और हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम ईडी का दफ्तर दिखाते हैं बाहर में, आप देखें जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो सभी जवान तैनात किए गए हैं। और अंदर आप जाने की मीडिया को भी अंदर, कल तक मीडिया कर्मी अंदर जाते थे लेकिन अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और आज पूजा सिंघल का आना है, बस थोड़ी देर बचा है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि सुमन कुमार सिंह जो सीए हैं, वो थोड़ी देर पहले पूरी सुरक्षा घेरे में उन्हें इसी ईडी के दफ्तर में लाया गया है। तो आप समझिए धीरे धीरे करके हो सकता है थोड़ी देर के बाद अभिषेक झा भी आ सकते हैं 11 से 12 के बीच में, और यही यहाँ पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद क्रॉस कनेक्शन, मतलब क्रॉस सवाल जवाब भी होंगे। तो आज पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कई तरह के जो सवाल हैं उनका जवाब उन्हें देना होगा ईडी के जॉइंट डायरेक्टर के सामने, डिप्टी डायरेक्टर के सामने। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कितना देर यहाँ डिटेन किया जाता है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है, तो हमें लगता है कि काफ़ी लंबी पूछताछ होगी और कई अलग अलग सवाल होंगे। तो ये ईडी का दफ्तर हम एक बार फिर दिखाते हैं आरती। ईडी का दफ्तर आप देखिए, जिस तरह से सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और मीडिया की भी जो भीड़ है आज सुबह से, बहुत संभव है कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार पति अभिषेक झा सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ चल रही है और घंटों पूछताछ चल रही है, उसके बाद आज पूजा सिंघल से पूछताछ होगी, तो ये बहुत संभव है कि इस पूछताछ के बाद अब अभिषेक झा और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी हो। अब देखिए, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, तो ये थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन हो सकता है कि अभिषेक झा जब यहाँ आए, बातचीत हो, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया के तहत हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो। तो लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाया गया है, इसके यही मायने भी निकाले जा रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है कि गिरफ्तारी हो। तो क्योंकि कई कई बड़े घोटाले हैं, कई भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसमें मनरेगा की बात करें, खनन की बात करें, पल्स हॉस्पिटल की बात करें, कठौतिया माइंस की बात करें, 83 एकड़ जमीन की बात करें, तो कई सवाल हैं। बैंक में लगभग 16 लाख का ट्रांसफर होना, 1,43,00,000 आखिर कहां से आए। तो कई अलग, देखिए प्रवर्तन निदेशालय की गाड़ी है और अधिकारी धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। तो पूरी एक टीम जो है, पूरी एक फौज जो है ईडी का, वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहा है। लेकिन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जॉइंट डायरेक्टर की बात करें वो सबसे पहले पहुँचे, डिप्टी डायरेक्टर की बात करें वो भी पहुँच गए हैं। तो कई अलग अलग जो पूछताछ का जब सिलसिला होता है, तो कई लोग सवाल जवाब करते हैं, कोई एक व्यक्ति सवाल नहीं पूछता है, अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं।
फिर बैठा कर सवाल पूछा जाता है। तो आप समझिए कि जो प्रक्रियाएं हैं ये प्रक्रिया से गुजरना ही बड़ा टफ होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभिषेक झा की बात करें या सुमन कुमार सिंह की बात करें, तो वो कहीं से भी ईडी के सवालों का संतुष्ट जवाब वो नहीं दे पाए। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर ईडी के अधिकारी जो हैं इन्हें घेरे में ले रहे हैं, लेते हैं और अलग अलग सवाल। देखिए, फिर हम सुरक्षा की बात करते हैं कि आज जब पहली बार जो है पिछले 3 दिनों के बाद पहली बार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और यहाँ तैनाती जब की गई है तो ये सुरक्षा घेरा लगातार बना रहेगा और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आरती, बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से पहले सुमन सिंह और अभिषेक झा से पूछताछ की गई अंजलि, पहले दोनों से 1-to-1 सवाल जवाब हुए, उसके बाद फिर आमने सामने बिठाकर क्वेश्चन किए गए। अब ये भी बहुत संभव है कि पूजा सिंघल से जब पूछताछ होगी तो कुछ इसी पैटर्न पे पूछताछ हो, ताकि जो चीजें अब सामने आ रही है वो क्लियर कट हो। तो ये भी पूछताछ लंबी चलने वाली है। हाँ, देखिए, ईडी का जब भी पूछताछ होता है आरती, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो काफ़ी कई सवाल होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 50-60 से अधिक सवाल होंगे और एक एक सवाल का जो है जवाब देना होगा। तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी और जब सवाल जवाब होंगे तो उसके साथ साथ वो सवाल जवाब अन्य लोगों से भी पूछे जाएंगे कि ये बात कहाँ तक सच है। पहले अलग अलग बैठाया जाता है, फिर आने वाले समय में तीनों को एक साथ बैठा कर वही सवाल पूछा जाएगा। ये पल्स हॉस्पिटल की बात करें, अन्य जो मनरेगा की बात करें, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पल्स हॉस्पिटल जो है लगभग 125 करोड़ के लागत का बना है, तो आखिर 2300 करोड़ जब HDFC ने बैंक से लोन दिया गया तो बाकी 100 करोड़ कहाँ से आए, ये एक प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है। यही वजह है कि IT भी इस मामले को लेकर गंभीर है और इसके साथ साथ ये भी सवाल जरूर आने वाले समय में उठेगा या कई पूछा जाएगा कि पद पे रहते हुए आप सत्ता का किस तरह से, पावर का किस तरह से आपने दुरुपयोग किया है। तो कई सवाल हैं और सभी सवालों में घिरने वाले हैं। और अब इन तमाम सवालों से गुजरना होगा, न सिर्फ गुजरना होगा अंजनी, बल्कि इन तमाम सवालों के जवाब भी देने होंगे पूजा सिंघल को। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण भी जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए, अभिषेक झा से पूछताछ 2 दिनों से लगातार चल रही है, लेकिन सवाल आकर टकता है कि क्या इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसे स्रोत से संपत्ति इसमें लगाई गई, इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा हुआ जिसकी जानकारी वो अब तक नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, 23 करोड़ का लोन लिया गया, वो ब्रांच कौन सा था वो अब तक भी क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद 123 करोड़, तो बाकी 100 करोड़ कहां से आए? शेल कंपनियों की बात सामने आई, तो वो शेल कंपनियां जहां से ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक ईडी को पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाए हैं, इसलिए ये कंटिन्यूएशन हो रहा है, ये सवाल लगातार चल रहा है और आज भी ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आरती आपने, और इसी सवालों का जो जवाब है वो जानने की कोशिश करेगी आज पूजा सिंघल से ईडी के जो अधिकारी हैं। देखिए, जब ईडी का छापा पल्स अस्पताल में पड़ा था, आपको पता होगा कि पूजा सिंघल के देश भर में जितने भी ठिकाने मौजूद थे वहां ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी। करीब 5 राज्यों में 25 जगहों पर जो है वो ईडी की टीम जो है वो सर्च की थी और सबसे लंबे समय तक जो है वो पल्स अस्पताल में करीब 36 घंटे तक जो है वो ईडी की टीम मौजूद थी और लगातार कार्रवाई की जा रही थी। उस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक के अकाउंट जो है वो मिले थे, करीब 11 अलग अलग बैंकों के अकाउंट मिले थे। ईडी इस बात का सवाल की तलाश करने की कोशिश कर रही है कि पल्स को खोलने के लिए जो पल्स के प्रबंधन है पूजा सिंघल के जो पति है अभिषेक झा, उन्होंने करीब 23 करोड़ रुपए जो है वो HDFC से लोन लिया था। जबकि अगर पूरे पल्स अस्पताल की बात करें तो उसके निर्माण में करीब 123 करोड़ के करीब जो है वो खर्च बताया जा रहा है। सवाल यही उठता है कि बाकी बचे जो पैसे हैं करीब 97 करोड़ रुपए कहां से लाए गए, किसके पैसे थे। कई लोग जो है वो लगातार यह भी बता रहे हैं, ईडी को भी इस बात का शक है कि कहीं पल्स अस्पताल को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। फिलहाल इन सभी चीजों की जो है वो आज सघन पूछताछ होगी पूजा सिंघल से। और अभी से थोड़ी देर पहले ईडी की जो टीम है वो CA सुमन कुमार को भी लेकर ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। और मैं आपको दिखाता हूं आरती, आप ईडी दफ्तर का यह दृश्य देखिए कि लगभग
पुलिस छावनी में जो है वो ईडी कार्यालय को बदल दिया गया है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौजूद हैं और कई तरह के दिशा निर्देश सीआरपीएफ जवान को दिए गए हैं कि किन लोगों को दफ्तर के अंदर जाने देना है, किन लोगों को नहीं जाने देना है। आप देखिए कि हिनू स्थित जो यह ईडी का कार्यालय है वो आपको एक पुलिस छावनी की तरह दिख रहा होगा। और देखिए मामला सिर्फ यही नहीं है कि जो 17.5 करोड़ और जो 19 करोड़ की बातें सामने आई वो कैश सीए सुमन सिंह ने कहा कि ये पूजा सिंघल का है, ये पैसे कहां से आए, क्या सोर्स ऑफ इनकम रहा, और लेकिन बाकी चीजें देखिए, चाहे वो बीमा पॉलिसी की बात करें, आय से अधिक संपत्ति जो उनके खाते में 1,23,00,000 रुपए की जो निकासी की गई वो कहां से की गई, 16.5 लाख से ज्यादा की जो राशि थी वो जो ट्रांसफर की गई 3 अलग-अलग खातों में, वो तो है, वो मामला सामने है। लेकिन अब उन फाइलों को भी खंगाला जा रहा है। पिछले मामलों में खूंटी का मनरेगा मामला आप ले ले, पलामू का माइंस वाला आप मामला ले ले, या फिर आप अनिल खेरवाल वाला माइंस का मामला ले ले, इन सब तमाम मामलों में जो उन्हें क्लिनचिट मिली थी, अब उन फाइलों को भी मंगाया गया है और उसकी भी जांच होगी। तो ये चीजें चौतरफा अब घिरने वाली हैं पूजा सिंघल। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पूजा सिंघल की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई है। खूंटी में डीसी रहते वक्त जो है वो मनरेगा घोटाले में जो उनका नाम आया था, भले ही उस वक्त विभाग के द्वारा उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था और जूनियर इंजीनियर उन्हें दोषी बताते हुए उन्हें जेल भेज दी गई थी। अब पुराने जितने भी फाइल है या जितने भी घोटाले से संबंधित जो भी आरोप जो पूजा सिंघल पे लगे थे, अब उन सभी फाइलों को जो है वो दोबारा रीओपन किया जा रहा है, उसे खोला जा रहा है ताकि ईडी इस बात की जाँच कर सके कि जो अकूत संपत्ति पूजा सिंघल ने जमा किया है वो कब से कमाई जा रही है। हो सकता है कि अधिकारी रहते वक्त उन्होंने कई ऐसे जगहों पर पैसे कमाए जिसकी जानकारी जो है वो लोगों को नहीं है। ईडी इसी बात की जांच कर रही है। आपको पता है कि लगातार उनके बैंक के द्वारा जो है वो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहे थे। सीए सुमन कुमार के भी बैंक पर जो है वो ट्रांजेक्शन पूजा सिंघल के बैंक के द्वारा किया गया है। तो इन सभी चीजों की जो सघन जानकारी है वो आज ईडी के टीम को मिल सकेगी। फिलहाल जो सीए सुमन कुमार हैं उनके रिमांड का आज दूसरा दिन है और उन्हें फिलहाल ईडी कार्यालय ले आया गया है। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पूजा सिंघल के जो पति हैं और पल्स अस्पताल के जो निदेशक हैं अभिषेक झा, उन्हें भी ईडी कार्यालय ले आया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो ईडी को इंतजार है, आम लोगों को इंतजार है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कब ईडी कार्यालय पहुंचती हैं और जो बातें छुपी हुई हैं, जो जिन सवालों का जवाब ईडी जानना चाहता है, क्या कुछ सवाल जो है वो पूजा सिंघल से पूछा जाता है, ईडी उसको लेकर लगातार तैयारी कर रही है। सुबह से ही जो ईडी के अधिकारी हैं वो दफ्तर पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि जो गहमागहमी है वो बढ़ गई है। बिल्कुल गहमागहमी बढ़ गई है सत्यव्रत। और अब थोड़ी देर का वक्त ही बचा है, 10:30 बजे का वक्त है अंजनी, 10:30 बजे का वक्त दिया क्या है, नोटिस मिला 10:30 बजे हाजिर होना है पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर में और उसके बाद एक लंबी पूछताछ शुरू होने वाली है। वहां पर हलचल भी तेज हो गई है क्योंकि अब बस कुछ मिनटों का वक्त जब पूजा सिंघल को ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी है। 10:30 बजने में अब 5 से 6 मिनट का वक्त रह गया जी, है जी। तो हमें लगता है कि किसी भी समय वो पहुंचेंगी, मतलब 10:30 और 11 के बीच में संभवतः उनको आना है। 10:30 का समय जरूर दिया गया है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समय की भी अपनी एक अलग पाबंदियां होती हैं क्योंकि यहाँ तमाम अधिकारी जो हैं उनकी प्रतीक्षा में हैं। मैंने पहले ही बताया कि जॉइंट डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो और ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी के कर्मचारी हैं, तमाम लोग यहाँ ऑफिस में प्रवेश कर गए हैं। तो हमें लगता है अब आने का वक्त हो गया है और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, मैंने पहले ही तमाम दर्शकों को बताया कि यहाँ अंदर अब मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा प्रतीत होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को एक बार हम फिर दिखाते हैं कि मुश्किलें किस तरह से बढ़ती नजर आने वाली है। तो ये देखिए ईडी का दफ्तर है और ईडी के दफ्तर के बाहर जो है तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अब अंदर किसी भी अनजान आदमी को जाने की इजाजत नहीं है और मीडिया को तो बाहर अब पूरी तरह से रोका जा रहा है। लेकिन मीडिया को रोकिए, अलग कीजिए, अलग अलग पाबंदियां हैं जरूर, लेकिन जो होना है, जो नियमानुसार जो सवाल जवाब होने हैं वो उनका ये ईडी के सवाल का जवाब तो आज पूजा सिंघल को देना ही होगा। भले
और ये कोई एक दिन की बुलाहट नहीं होगी। ईडी जब तक संतुष्ट नहीं होगी तब तक वो बुलाते रहेगी, और जब उन्हें लगेगा कि तमाम चीजें कहीं ना कहीं फर्जी है, इन्फॉर्मेशन सटीक नहीं है, और यही वजह है लगातार अब ये सारी चीजें अब बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। अंजनी, दो दिनों से सीए और पति से पूछताछ चल रही है, अब आज उनकी बारी है, पूजा सिंघल पहुंचेंगी और जो सवाल और जवाब पहले से तैयार हो चुके हैं उसके बाद अब पूजा सिंघल का जवाब क्या होता है ईडी के सवालों का, ये सब जानना चाहते हैं और ये तमाम अपडेट्स भी हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। फिलहाल शुक्रिया सत्यव्रत और अंजनी आप दोनों का, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रांची में ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10:30 बजे ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल को हाजिरी लगानी है, पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है और थोड़ी देर का वक्त अब और जब पूजा सिंघल ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और पूछताछ उनसे शुरू होगी। बहुत संभव है कि आज की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो पति अभिषेक झा और पूजा सिंघल की। दूसरी तरफ जैसा कि खबर है कि निलंबन की तलवार भी लटक रही है पूजा सिंघल पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।